तो आज फिर से आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया है काफ़ी कमाल का मज़ेदार वीडियो, जो कि अभी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग सेक्शन में। तो आप इस तरीके का वीडियो बनाकर आप अपने भी रील्स पे आराम से व्यूज ला सकते हो, फॉलोवर्स गेन कर सकते हो, कमेंट गेन कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें आप आराम से ले सकते हो। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, और ताकि आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से समझ में आप आए, उससे पहले कि आप वीडियो को जल्दी से लाकर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे सेट करना है, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको फ्यूचर में मिलता रहा है। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं एंड आपको ले चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दो से तीन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। आपको तो अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत है नहीं, इंस्टाग्राम से ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक सॉन्ग आपको ऐड करना है। तो सॉन्ग के लिए सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग का लिंक दे रखा है, तो सबसे पहले हम उस सॉन्ग के लिंक पर टैप करेंगे। यहाँ से सॉन्ग के लिंक पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेक्शन है, सेव वाला जो सेक्शन है, आपको इसे सेव कर लेना है। सॉन्ग को आपको क्या करना है, सेव करना है। अब कुड नॉट सेव ऑडियो, यहाँ पे आपको सेव करना है, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जब ये सेव हो जाएगा, तो सेव हो जाने के बाद थोड़ा बैक जाना है आपको, एंड आपको अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पे आप इसे सेव कर लेना। सेव कर लेने के बाद आपको फिर से इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। अब इंस्टाग्राम ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे में जो प्लस का सेक्शन है, आपको प्लस के सेक्शन पे टैप करके यहाँ पे रील वाले सेक्शन पे टैप करना होगा, एंड जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो आपको सबसे पहले उस इमेज को सिलेक्ट करना होगा। उससे पहले कि आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी इमेज है उसको आपको 9:16 के रेशियो में कन्वर्ट कर लेना होगा। वीडियो को अच्छे से एडिट करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, तो जल्दी से आप 9:16 के रेशियो में कन्वर्ट करना है। 9:16 रेशियो समझ रहे हो ना, समझ रहे होगे। आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि लाइटमेंट एप्लीकेशन को ओपन करो, यहाँ से कैसे आपको 9:16 किसी भी फोटो को 9:16 के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना आपको मैं बता देना चाहता हूँ। प्लस के आइकन पर आपको 9:16 का रेशियो ये है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करो, प्लस के सेक्शन पर मीडिया पर टैप करो, देखो ये इमेज है। चलो ये वाला इमेज था, हाँ ये वाला इमेज, ये इमेज देखो 9:16 का रेशियो में नहीं है। तो उसे करने के लिए करना क्या होगा हमें, ऊपर में जो थ्री डॉट का आइकन, आपको थ्री डॉट का आइकन पर टाइप करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। देन उसके बाद आपको एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टाइप करके करंट फ्रेम एस पी एन जी पर टाइप करके इसे एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये 9:16 का रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका वीडियो एडिट करने में कोई परेशानी ना होगी, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे ये मैं फिर से इसे ओपन कर लिया हमने। अब ओपन कर लेने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको रील वाले सेक्शन पर टाइप, प्लस के सेक्शन पर टाइप करो, रील वाले सेक्शन पर टाइप करो, एंड ये इमेज है, चलो ये इमेज हम ले लेते हैं श्री कृष्ण का। एंड देन आपको फिर करना क्या होगा, इमेज आपने ले लिया, अब इमेज लेने के बाद आपको इफेक्ट वाले सेक्शन पे, यहाँ पे देख रहे हो ना, इफेक्ट वाले सेक्शन पे टैप करके देन आपको शर्ट वाले सेक्शन पे टैप करना है। यहाँ से आपको लिखना है LOADING लोडिंग, आपको क्या लिखना है लोडिंग, इसे हम ओपन कर लेते हैं डाटा को। लोडिंग आप लिखोगे थोड़ा सा, दो से तीन आपको डॉट दे लेने हैं यहाँ पे, एंड डॉट देने के बाद थोड़ा सा नीचे में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग, ये वाला लोडिंग, आपको इस पर टैप करके देन आपका यहाँ पे इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब देन बैक जाओ, आपका यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। अब आपको फिर से ऊपर में इस वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ से आपको फिर से प्लस वाले सेक्शन पे टैप कर लेना होगा। प्लस वाले सेक्शन पे टैप कर जो भी इमेज आपने वहाँ से लिया था उस इमेज को अगेन आपको फिर से यहाँ से इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपको सॉन्ग ऐड करना है, तो फिर से आपको सॉन्ग वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ से आपको सेव्ड का जो सेक्शन है आपको सेव्ड वाले सेक्शन पे टैप करना होगा, एंड जो इमेज यहाँ पे सॉन्ग है ये आपका इस तरीके से आ चुका है। अब डन वाले सेक्शन पे टैप करके इस तरीके से देखो यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट पे टैप कर दो, इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। बाकी आपका हैशटैग वगैरह जो आप